अच्छा जी, आज हम सारी चीजें को डिस्कस कर रहे थे कि भाई हम यहाँ पे अपने पेजेस के बारे में सारी चीजें जो है वो देख रहे थे, फैब्रिक वाले से चीजें जो है वो हमें देखनी थी। तो सबसे पहले भाई हम बिजनेस सूट के बारे में हम डिस्कस कर लिया था मेरे ख्याल में, ठीक है। पोस्ट एक हम जो है वो हाँ, बिजनेस नहीं। अच्छा, अगर मुझे बिजनेस स्टूडियो में जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं अगर बिजनेस सूट के अंदर जाना चाह रहा हूँ तो वो मैं कैसे जा सकता हूँ? बिजनेस फेसबुक का जो बिजनेस सूट है, अगर मुझे उसके अंदर जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? पेज खोला हुआ है, मोर टूल्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सूट आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद हम जो सारी चीजें देख रहे थे वो हम पोस्टिंग देख रहे थे और ये सारी चीजें देख रहे थे इसकी। सबसे पहले हम जो चीजें हमें देखनी थी वो हम जो है वो पोस्ट हमें अभी बनानी थी, तो हम एक पोस्ट जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। और वीडियो फॉर्म में हमें एरर आ रहा था, और वैसे हमें ऐसा कोई मसला नहीं था। अगर हम जल्दी से यहाँ पे जो है वो अपलोड कर लेते हैं, ये हम ले आते हैं, और साथ ही साथ एक लोगो हम भी हम ले लेते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने स्पॉट उसमें आके मैं जल्दी से ये चीजें ओके है, हमारा लोगो जो है बिल्कुल परफेक्ट है, उसने खुद ही सेंस कर लिया लोगो क्या क्या है। यहाँ पे आते हैं तो हमारी जो हेडलाइन है वो क्या है, या हम अगर हम थोड़ा सा प्रीव्यू देखते हैं कि भाई क्या हमारा प्रीव्यू बन रहा है, तो ये आपके पास जो है प्रीव्यू बन रहा है, अच्छा नहीं है, चेंज करना है हमें, तो भाई ये वाली पिक्चर चाहिए ना भाई, हमने तो यहाँ पर आएंगे और इसको चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग देनी है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कोई सा भी आप, ये लास्ट मैंने आपको समझाया था कि भाई कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना है, कौन सा कलर इसका इस्तेमाल करना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको हेडिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ पे कहते हैं मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था नाम, चलें क्लोज लिख देते हैं अभी तो फिलहाल, क्लोजिंग, ठीक है। लोग अस्सलाम आसाम, ठीक है, ये मैंने वीडियो बना ली है, और वीडियो बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपनी वीडियो अगर एक दफा देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एक दफा वीडियो देख भी लेता हूँ, तो ओके, वीडियो जो है बिल्कुल सही नजर आ रही है मुझे, परफेक्ट है। फिनिश करते हैं तो अब यहाँ पे फाइनलाइज हो रही है मेरी प्रीव्यू जो है वो आ रहा है। उस वक्त शायद नाइट का कोई प्रॉब्लम था, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे अपलोड मीडिया हो रहा है, क्या चीज, वगैरह वॉल्यूम खुला हुआ है, अच्छा एक काम करते हैं मेरे ख्याल में यहाँ पे हम इसको पब्लिश करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी हेडिंग्स डाल लेते हैं, देखते हैं कि आता है नहीं आता, अभी हम फिलहाल यहीं से कोई टेक्स्ट उठा के डालते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो तो ये आपके, अगर आप देखो तो यहाँ से गायब हो रहे चीजें जो हैं, और गायब हो रही हैं, नहीं आ रही, नहीं, अगर वीडियो नहीं, मैं वीडियो हो ही नहीं रही ना, एड हमने जो अभी बनाई थी वो गायब हो जाती है।
उस दिन भी यही हो रहा था। अच्छा, इस प्रॉब्लम को इंशाल्लाह पे मैं आपको जो है ना नेक्स्ट इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो अब अगर मैं क्लोथिंग का ब्रांड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें पहले पहले पोस्ट बेसिकली होनी कैसी चाहिए, हमें देखना ये है कि भाई आप सबसे पहले जो है वो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर मेरा मिसाल के तौर पे फैशन HQ है के नाम से है, ठीक है, तो बेसिकली जो फैशन फैबुलस फैशन के नाम से है, तो फैशन फैबुलस जो है बेसिकली जो अब इसका जो है वो ब्रांड जो है हमें बनाना है, उसकी ब्रांड अवेयरनेस स्टार्ट करनी है। पहले मेरे पोस्ट जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी एक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक चीज के बारे में जो है मैं बताऊं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए कि भाई एक जो है वो पहले पोस्ट जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए। तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे बार्ट हमारे पास खुला हुआ है, हम इसमें से चेक करते हैं। ओके, माय ब्रांड, तो ये भी मेरे चैट ये जीपीटी चैट में जीपीटी की तरह ही है। माय ब्रांड नेम इस क्या था भाई हमारा ब्रांड, फैबुलस फैशन, ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है, और अच्छा यहाँ पे स्टॉप कर दिया। हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट फेसबुक या फेसबुक पोस्ट ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पोस्ट ब्रांड अवेयरनेस ठीक है। तो अब हम कैसे ब्रांड अवेयरनेस में पहली पोस्ट क्या होनी चाहिए, जरा हम इससे पूछते हैं कि भाई हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि यूज द स्ट्रॉन्ग विजुअल, ठीक है, द फर्स्ट थिंग द पीपल विल सी यूर द पोस्ट इमेज और वीडियो, सो मेक श्योर द समथिंग दैट विल कैच देयर अटेंशन, यूज हाई क्वालिटी इमेजेस, वीडियो विल बी रेवलेंट ऑन योर ब्रांड एंड दैट विल मेक द पीपल टू मोर लर्न। अब अगर आपका फैब्रिक है तो आप अब मिसाल के तौर पर क्लोथिंग है, तो आप सबसे पहले तो ये अवेयरनेस दें अपने क्लोथिंग के टाइप्स के बारे में, आप बताएं कि आप कौन से जो आपके जो क्लोथ्स जो हैं वो उसका कपड़ा कौन सा है, ठीक है, सेल क्या है या है, तो उसमें सबसे पहले जो है उस चीज़ की जो है वो अवेयरनेस जो है वो, क्योंकि उसमें ये बताना है कि भाई आपका कंपनी जो है आपका ब्रांड जो है वो क्या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, किस चीज उसके अंदर जो है वो काम करता है, ठीक है, तो आपको उसके बारे में जो है बताना है, ओवरऑल कंपनी के बारे में बताना है बेसिकली, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि राइट द क्लियर द कंसिस्टेंट हेडलाइन, ठीक है, हेडलाइन भी जो है आपकी इस तरीके से होना चाहिए कि क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तीसरे में एंगेजिंग टेक्स्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग कॉल टू एक्शन होना चाहिए और प्रमोट योर पोस्ट होनी चाहिए। अब विद एग्जाम्पल, ठीक है, अब उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे समझाने की कोशिश करी है कि एक तस्वीर होगी, ठीक है, उसमें अंदर एक स्टाइलिश वुमेन होगी जो कि वो एक कपड़े पहनी हुई होगी, किसके, फैशन बाय फैब्रिक हमारे ब्रांड के, ठीक है। हेडलाइन क्या होगी, फैबुलस फैशन द ड्रेस मेक फील योर फील कंफर्टेबल, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट क्या होगा, लुकिंग फॉर द एड, अब ये जो है उसकी आपकी पोस्ट के अंदर होगा, ठीक है, और कॉल टू एक्शन क्या हो जाएगा आपकी वेबसाइट के, विजिट आवर वेबसाइट टू शॉप आवर लेटेस्ट कलेक्शन एंड द सी फॉर योर सेल्फ माई फेबुलस फैशन इज द गो टू ब्रांड फॉर स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस वुमेन। तो कितना आपके लिए जो है वो अच्छा हो गया कि
भाई अगर हमें आइडियाज नहीं आ रहे तो हम इससे आइडिया ले लें, ठीक है? अगर हम नहीं समझ रहे, सेकंड एग्जांपल यहां पे देखिए और देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, अब सेकंड में बहुत अच्छी लाइन है, द फैमिली फैशन फॉर एवरी वुमेन एवरी बॉडी, बहुत आई कैचिंग हेडलाइन है ये, ठीक है? ये सब के लिए, सारे वुमेन्स के लिए, हर बॉडी के लिए है, ठीक है? ये बहुत अच्छी हेडलाइन है, बहुत अच्छा टैग है, टैग लाइन है, जिसे हम जो है वो अपने अपनी पोस्ट के अंदर जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इस तरीके से मुझे जो है मिसाल के तौर पे, अब हमारे पास तो हमारे ब्रांड की तो खैर तस्वीरें जो है वो नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं अभी तो कोई फिलहाल कोई भी तस्वीर जो है वो उठा लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन जाहिर सी बात है कि जो जिसके लिए आप काम करेंगे या अपने ब्रांड के लिए भी काम करेंगे तो आपके ब्रांड की जो है वो काम तस्वीरें जो है ऑब्वियस सी बात है होंगी। तो अभी हम ऐसे निकाल लेते हैं कोई तस्वीर, हाँ, अब मतलब डिफरेंट दो तीन वुमेन्स जो है वो उसके अंदर होंगी और हम जो है वो सर्च कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है? फैशन भाई, फैशन में इसी तरीके से होती हैं, तीन चार लड़कियां जो लेडीज जो है ऑन होती हैं, खड़ी भी होती हैं, एवरीबॉडी बॉडी में है, तो यानी कि देखें ये पोज बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि हर तरीके के हर बॉडी है, फैट भी है, पतले भी है, नॉर्मल भी है, सारी है, ठीक है? तो इस चीज को जरा समझें आप लोग, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये वाली तस्वीर जो है वो मैंने ली है कि पढ़ेंगे भी तो अट्रैक्टिव, हाँ यार, हर इनका जो ब्रांड है वो हर बॉडी के लिए है, ठीक है? हर कोई तरीके की बॉडी के जो है वो सूट करेगा, ठीक है? तो अब यहाँ आए और कहाँ गया हमारा, यहाँ आते हैं, तो अब यहाँ आए, इसको लिया, अब अगर आप यहाँ देखें तो हमने कहाँ बनाया था, ये रबार्ट के अंदर, ठीक है? हेडिंग जो है वो हमारी ये है, ठीक है? नीचे आएंगे, ओ सॉरी, इसे नहीं, ठीक है? ये हैशटैग्स हैं और ये हमें लगाने जो है वो जरूरी है। तो हम पाकिस्तानी क्या गलतियां करते हैं कि हम ब्रांड नहीं बनाते अपना, ठीक है? तो हमें बनाना जो है वो जरूरी है, ठीक है? ये आपके हैशटैग्स हो गए, ये आपको हर जगह के भाई फैबुलस फैशन कोई सर्च करे, फैशन सर्च करे, स्ट्राइप सर्च करे, तो आपकी पोस्ट जो है वो आनी चाहिए। अब जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो, सर आप वेबसाइट भी डाल देंगे हाँ, आवर वेबसाइट, वेबसाइट का जो लिंक है वो आप यहाँ पे जो है वो लिंक डाल देंगे। अभी देखते हैं प्रीव्यू में क्या आता है। चले, आ गई, बड़ी शुक्र है, ठीक है? तो इस तरीके से आप बहुत आई कैचिंग और इसके साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके लिए अब इसको भी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा सिंपल हो रहा है, इमोजीज का यूज कर लें, ये लिखा विद इमोजी, इमोजीज के साथ बना देगा, दिस ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो ये देखें इस तरीके से इमोजीज के साथ आ जाएगा, बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये, ठीक है? थोड़ा सा गैप दें कि हर चीज जो है वो और वाजे और प्रोमिनेंट नजर आए, ठीक है? और बिल्कुल परफेक्ट, अच्छा काफी हद तक हमारी चीजें जैसे ये पिंक है, ये रेड है, रेड इमोजीज आ रहे हैं, दो चले तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, लेकिन इट्स गुड।
अच्छा, अब यहाँ पे अगर बटन हमें कोई इंक्वायरी कोई कुछ पूछना चाह रहा है मैसेजिंग के अंदर, तो गेट द मैसेज पे हम चेक लगा के, और इसको हाँ अगर शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, कब जो है वो किस टाइमिंग पे होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है इसको जस्ट सिंपली जो है वो पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो आज जो है वो हमने जो है वो ये पोस्ट जो है वो डाल दी है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आई हम लोगों के। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी पोस्टिंग जो है वो ब्रांड अवेयरनेस को पहले फोकस करेंगे। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस को फोकस करने के बाद फिर आप जो है वो तीसरा, फिर आप जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, पहले आपने ब्रांड्स के बारे में बात करें। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि आपके ब्रांड्स की ही खसूसियात और ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो ये काम करना जो है वो आपके लिए लाजमी है। ठीक है, और ये सब काम जो है आपको करना। दूसरी बात कि मैंने आपको जैसे बताया था कि मैटर्स बिजनेस सूट के अंदर जो है बेसिकली हम हर काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लानर है। ठीक है, ये मैंने समझाया था, प्लानर नहीं समझाया। अच्छा, अब प्लानर का क्या काम होता है कि प्लानर में आप पूरे महीने भर का प्लान कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे 15 तारीख को, 22 तारीख को क्या अपलोड करना चाहता हूँ, या मैं किस को और क्या अपलोड करना चाहता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि हम कुछ कैलेंडर बना के रख लेते हैं, सोशल मीडिया का कैलेंडर हमारे पास बन जाता है, और उसके जरिए से मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि सोशल मीडिया का कैलेंडर हम किस तरीके से बनाते हैं। हम अगले नेक्स्ट पूरे 30 दिन की जो है बेसिकली हम जो है एक शेड्यूल जो है वो बना के रख लेते हैं। ठीक है, जब हम अपना जो है वो चीजें जो है वो हम शेड्यूल कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जो है कैलेंडर के अंदर जाके, इसके अंदर जाके हम चीजें जो है पहले से ऑलरेडी पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो काम जो है वो करते हैं। ठीक है, एक पोस्ट भी आपको मैंने जहाँ पे डाल के दिखा दी है, शो कर दिया मैंने, क्या दो बने पे क्यों आ रहे हैं? चीज, एक ही डाल रही है ना, दो बने पे क्यों आ रहे हैं? क्रिएटिव ये थे तो लोगो है, ये तो लोगो है। ठीक है, अच्छा डालते हैं हाँ, फिर पोस्ट में। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आप स्टोरीज क्रिएट करें। ठीक है, स्टोरीज डाला करें। ठीक है, स्टोरी आज भाई आज की क्या स्टोरी है। ठीक है, अच्छा मैं इसी से पूछ रहा हूँ कि यार, क्योंकि देखो अब हमारे सोचने का काम नहीं है। ठीक है, जब से एआई का काम आ चुका है तो हम क्यों सोचें, हम इसी से काम निकालना है। ठीक है, मैं क्यों आपको बोलूँगा नहीं आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, आप सोचो, नहीं, सोचने का आइडिया आपको यहीं से मिल जाना है, एफर्ट आपको करने की जरूरत नहीं है जब आपका, क्योंकि आप जमाना ही एआई का है। मैं आपको क्यों बोलूँ कि भाई रिसर्च करें और ये करें वो करें, आप यहाँ पे जाए क्रिएट ठीक है, अब देखें इसने 3 चीजें दी हैं कि यहाँ पे आप जो है वो क्या दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं द एक वुमेन वेयर फैबुलस ड्रेस पहनी है और वो मुस्कुरा रही है, बड़ी कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ऐसे ही तस्वीर आपको लगानी है। ठीक है, दूसरे इसके अंदर क्या दिखाना है, फील द कॉन्फिडेंस एंड द ब्यूटीफुल, यू आर नॉट अलोन, योर ड्रेस एंड डिजाइन टू द फटर एवरीथिंग बॉडी टाइप एंड मेक यूर फील यूर टेस्ट बेस्ट। बना अब हम राइटर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमें करके ये सारी चीजें दे रहा है। ठीक है, बात समझे, तो आप इसी तरीके से स्टोरीज डालें, क्योंकि स्टोरी से क्या होता है कि एंगेजमेंट बढ़ती है। ठीक है, डेली जो है आपको जो है वो स्टोरीज जो है वो डालनी जरूरी है। ठीक है, चीज आपको मेरे ख्याल में समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आइडिया। कैसे मतलब अभी हर तो प्रोडक्ट नहीं है, मतलब हाँ,
हवाले से क्या पेज बना सकते हैं? किसी भी कोई भी, अब मैंने ऐसी बना लिया ना फैबुलस फैशन के नाम से। हाँ ऐसे ब्रेकफास्ट के लिए आप भी बना ले। हाँ ठीक है, और इसको बकायदा एंगेज करें, लाइक्स लेकर आए, एंगेजमेंट देखें कि क्या होता है, कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, भले आप किसी का भी ब्रांड आप उठाएं, ठीक है, ऐसी रैंडमली तस्वीरें उठाएं और देखें कि लोग क्या कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो अब आपको, अब आप लोग बताएं कि भाई अब ये वुमेन है और स्माइलिंग और कॉन्फिडेंस है, तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो टैगलाइन है ये कॉपी करनी है, अच्छा ये पिक्सेल पे डाल दें या फ्री पिक पे डाल दें, जहां से भी आपको मिल जाए। ठीक है, स्माइल भी है कॉन्फिडेंस भी है, ये भी है, जैसे चाहे। अगर इसमें मुस्लिम में देखें, ये सब ब्रांड बाहर के ब्रांड है ना, तो मुस्लिम में अगर हम देखें, देखिए मुस्लिम में भी इंडिया लिखता है, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा सेट्स ये बता रहा, पाकिस्तान नहीं होता, इंडिया को देखते हैं, इंडिया में भी ये देखिए ब्रांड मिल गया आपको, एक शलवार कमीज ही लग रहा है वैसे तो, चलो पैंट शर्ट सॉरी शलवार कमीज वाली कोई एक है, लेकिन आप इसमें तस्वीर कपड़े नहीं नजर आ रहे सही से प्रॉपर, मतलब लैपटॉप के ऊपर फोकस था, या यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा ठीक है, ये आ गई। अब ये शरारा कमीज तो नहीं लग रहा मुझे, या सही है, अभी तो ये डायमंड मिल लगा। गया, ये मिल गया भाई, ये मिल गया भाई, ये मिल गया। ठीक है, गुड लैमेट से भी निकाल सकते, लेकिन इसमें हंस नहीं रहे होते, गुड लैमेट पे तो ऐसा स्टैचू बना के खड़ा करा होता। अच्छा, इसके अंदर ये बड़ा मसला होता है कि चले काम करते हैं, उसको ऐसे ही निकालते हैं। हमने ऐसे निकाल लेता, ऐसे नहीं निकाल के देगा, वैसे निकाल देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टेबिट से लेनी पड़ेगी, क्योंकि वेब के ऊपर कन्वर्ट हुई है, वेब पी के ऊपर, वरना मैं ऐसे निकाल लेता। अच्छा चले अभी वो स्क्रीन सेवर भी आ गया है, लेकिन चले सारे ठीक है जी, सेव कर लेते हैं। ये हुआ, ऑफिस आए और यहाँ पे आके अह कहाँ सेव कर दी, यहाँ तो नहीं किया। ठीक है, अब मीडिया में जो हमने अभी जनरेट करा है, बाट पे आते हैं, ये टैक्स हो गया हमारा। ठीक है, और इस तरीके से हमने सॉरी, लेकिन ये इसके ऊपर लिखना पड़ेगा हमें पिक्चर के, या हम चले यहाँ आते हैं टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में आके ये मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, इसको यहाँ पे रखते हैं, इधर सेट करते हैं, या ऊपर ना सर, ऊपर वाइड नहीं आता हाँ यहाँ पे रख लेता हूँ। सर, सुन जी कलर हम यहाँ पे ब्लू कौन सी
ठीक है चले, जैसे भी आपको रखना है, मतलब कहने का मकसद यही है। ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप फोटोशॉप या कैनवा के ऊपर बना लें। ठीक है, मैं चाह रहा था कि ये जो है ना वो बैकग्राउंड कलर जो है ना चेंज हो जाए, लेकिन बैकग्राउंड चेंज हम कर नहीं सकते हैं इसके अंदर ना। अच्छा, ये स्टिकर्स आ गए हैं, अगर आपको स्टिकर्स की जरूरत है तो आप इसके अंदर पोस्ट के अंदर स्टिकर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई हम स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अमेजिंग, लेकिन अमेजिंग नहीं, इसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टिकर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल में आपको वो समझ में चीजें जो आ गई होंगी। स्वैप द लिंक है, ठीक है, अगर आपको लिंक डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें मैंने, ये देखें आपको सामने ही, इसको भी पब्लिश कर देता हूँ, तो हमारे पास जो है वो स्टोरी भी जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट हो गई, समझ में आ गया आप लोगों को, तो स्टोरी भी हमारे पास जो है वो शेड्यूल, अच्छे शेड्यूल पे लगा दी मैंने, 20 जून को, 20 को शुरू हो जाएगी भी थोड़ी देर बाद। चले, तो ये भी हो गया हमारे पास, पोस्ट भी हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, प्लानर भी हमने समझ लिया कि हम प्लानर बेसिकली हम किस तरीके से जो है वो उसके अंदर काम कर सकते हैं। सेकंड चीज, हमने यहाँ पे ये भी देख ली कि जितने भी हमारे पास इन बॉक्सेस हैं, आपका अगर इंस्टाग्राम भी है या आपके पास जो है वो मैसेंजर है, तो वो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप जो है बहुत आसानी के साथ कर सकते। अगर आपके पास इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है तो वो बोलेगा कि भाई आप जो है वो कनेक्ट करें, तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जब आप कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ से फिर वो फेसबुक की ये जो आईडी है वो आपको यहाँ से लॉग इन करके कनेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आपके पास यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, मेरे ख्याल में अब आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें हैं जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। और इसके ये यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेंट के अंदर कि भाई कौन सी चीज पब्लिश हुई हुई है, कौन सी चीज अभी आपकी शेड्यूलिंग में लगी हुई है, कौन सी चीज ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप रील्स बनाना चाहें, क्रिएटर रील्स, तो आप रील्स भी बना सकते हैं। ठीक है, वो अभी कुछ घंटों बाद हो जाएगी, कुछ मिनट बाद, वो मैंने टाइम ही देखा था सर, मैं वो इस वजह से जो है वो हुआ मसला। अब रील्स की बारी है भाई, अब रील्स क्या होती है, रील्स किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब रील्स तो बेसिकली हमारे पास जो है वो वीडियोस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो हमारे पास होनी चाहिए, तो रील जो है वो जब ही पब्लिश होता है। अभी तो हमारे पास ऐसी कोई रील है नहीं, क्योंकि हमें उसमें वीडियोस चलती हैं आपकी। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हमें रील चलानी है तो आप यहाँ पे चला सकते हैं, और इसकी जो कैप्शंस हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी डाल देते हैं। अच्छा, रील को हमेशा रखेगा सिर्फ और सिर्फ जो है वो 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक की रील जो है वो चल सकती है, यानी कि वीडियो जो होगी आपकी 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक होती है। ठीक है, अब मेरे पास अभी ऐसी कोई 30 सेकंड्स की तो होंगी नहीं वीडियोस, या गूगल पे देख लेते हैं कोई। ठीक है, मुश्किल ही है कोई अगर निकल आए तो हमारे पास। डाउनलोड करनी है नहीं, डाउनलोड हम कर लेंगे, अगर मिल जाएगी तो हम डाउनलोड भी कर लेंगे। हाँ एआई से नहीं मिल जाएगा सर, एआई से नहीं मिल जाएगा। नहीं, एआई से तो हम आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक वीडियो तो चाहिए होगी ना, हमारे प्रोडक्ट की जो है एक वीडियो चाहिए यहाँ पे इसके अंदर। तो हाँ, कैप्शंस आप जरूर लिखवा सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए जो है वो हम या आइडिया लेना है कि भाई रील्स बनी कैसी होनी चाहिए, तो वो आप से जरूर हेल्प ले सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस प्रोडक्ट की अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, चलें अगर मैं यहाँ पे ये ही लिख देते हैं और यहाँ पे रील लिख देते हैं,
अब वही इसमें क्या है भाई, वो ही बता रहा है कि भाई अगर आर यू रेडी द नाइट आउट्स, वी आर डिपार्टिंग द कवर ऑन योर लेटेस्ट कलेक्शन योर ड्रेस, ठीक है, द फील द कॉन्फिडेंस इज ब्यूटीफुल, बात तकरीबन वही। टेक्स्ट हाँ, देगा, वीडियो नहीं हाँ, देगा। वीडियो वीडियो में बस ये बता रहा है कि भाई आप ये दिखा सकते हैं वीडियो के अंदर कि भाई एक वुमेन, वही वही उसी तरीके की बात कर रहा है, वही वही तकरीबन चीजें बता रहा है कि भाई आप, क्योंकि ये तो वीडियो फॉर्म में होगा, रील्स होती हैं वो वीडियो फॉर्म में होती है आपकी, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। या द वुमेन द गेटिंग द रेडी फॉर नाइट आउट, द शी इज पुटिंग ऑन द फैबुलस फैशन ड्रेस एंड एक्सेसरीज विद द ज्वेलरी विद मेकअप, आर यू रेडी टू। अच्छा, अब ये काम आप चाहें तो कैनवा, लेकिन अब कैनवा, अच्छा, में मसला ये हो गया, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है, वरना तो मैं बहुत वीडियोस और बहुत सारी चीजें ना हम काम कर लेते थे कैनवा के ऊपर, लेकिन हम पे जो है वो काफी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग गई है। खैर चलें, लेकिन इसी तरीके से आपको सारा जो है वो काम करना है, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो आप लोग पूछ रहे हैं, तो बिजनेस रूट का आपको मेरे ख्याल में मैटर सूट जो है वो आपको मेरे ख्याल में आप समझ में आ गया होगा। और यहाँ से इनसाइड के अंदर देखें, अगर मैं इनसाइड में आता हूँ तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे जो है वो सारी चीजों के बारे में मुझे जो है वो पता चलेगा कि भाई मेरी जो है वो सैटरडे को जो है वो कितने लोग आए, क्या हुआ, ठीक है, मेरे रीच कितनी है, ठीक है, और मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ पोस्ट वगैरह कंसिस्टेंसी कितनी है, मेरे पास भाई एक ही है, 100% हुआ है, पोस्ट हुई है, ठीक है, इम्प्रूव योर एंगेज योर कॉन्फिडेंस। अभी तो जाहिर सी बात है कि हमने अभी कुछ डाला ही नहीं इतना कुछ, तो वो हमें क्या आइडियाज देगा, वो क्या चीजें देगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर यहाँ पे आपको ऑडियंस दिखा रहा होता है कि कौन कौन से एज के लोग आ रहे हैं, कौन से उसके जेंडर्स के लोग आ रहे हैं, वो सारी हमारे साइज दिखाएगा, हमारे पास कन्वर्जेशन कितनी है, हमारे पास कॉन्टेक्ट कितने हैं, ये टोटली ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे जो है वो चीजें आपकी आ रही होती हैं, ठीक है जी। तो ये सब आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हम इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हम यहाँ से जाके जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, एड्स क्या होते हैं, ये क्या चीजें हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है ये चीजों को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, कोई सवाल नहीं है, चलें। हाँ फेसबुक पे अगर फॉलोवर्स बढ़ गए, लाइक्स बढ़ गए, फेसबुक हमें पे करेगा? अच्छा, अगर देखिए फेसबुक पे अब दो चीजें हैं, या तो आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, आप खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको फेसबुक ये चीज अलाउ करता है आप कि आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो जाती है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 8 महीने समथिंग कुछ ऐसे हो रहे हैं कि मोनेटाइजेशन उन्होंने ऑन कर दिया। अगर आप एज ए क्रिएटर जाते हैं तो आप फेसबुक के अंदर जो है आपको फेसबुक जो है वो आपको पे करेगा उस चीज के, ठीक है, आप जो भी जितने लोग उसके ऊपर आएंगे, आपकी चीजों को देखेंगे और उसके ऊपर ऐड चलेंगे आपकी वीडियोस के ऊपर, तो उसके हिसाब से जो है आपको पे जो है वो दी जाएगी। ये हो चुका है, लेकिन काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी, और इंस्टाग्राम के ऊपर ये अभी अब तक अलाउ नहीं हुआ, कहा तो यही जा रहा है कि अलाउ कर दिए है, लेकिन पैसे उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं लग रहे हैं अभी, नहीं, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, और इंशाल्लाह बाकी चीजें हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।